नमस्कार स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन प्रोसेस है आप सभी छात्रों के लिए यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का वो स्टार्ट हो चुका है। साथ ही में उसकी जो चार संगठक कॉलेज है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, सभी के लिए एक तरीके से एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको किसकी वहां पर एक तरीके से फिलअप करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों को दी जाएगी। सबसे पहले आप किसी भी वेब ब्राउजर पर आ सकते हो। आने के बाद में यहाँ पर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी एक तरीके से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आ सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इस वेबसाइट पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर यूजी एडमिशन 2024-25 यानी 2024-25, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो लिंक के ऊपर, तो आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी कुछ ही देर पहले आपके जो फोरम है, एडमिशन फोरम है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि 3 तारीख से लेकर 3 जून से लेकर 12 जून तक आपके फोरम है वो एक तरीके से फिलअप होंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब देखो महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, सभी के लिए इस वेबसाइट से ही आप अपना जो फोरम है वो भर पाओगे। यहाँ पर आपके सामने पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि आज 2 बजे से ही आपका जो एडमिशन फोरम है वो स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर 2024-25 विल बिगिन एंड 2 PM, ठीक है। प्रवेश संबंधी सूचना अगर आपको देखनी है तो आप सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप देख भी सकते हो। ये नोटिस में से ऑलरेडी जारी भी हो चुका है, इसमें क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर और भी जो जानकारी है वो दी गई है, किसमें BA, BCOM, BSc, BCA, BBA, साथ में BPA, उसी के बाद में BBA मिड सेमेस्टर स्कीम के तहत 3 वर्ष से 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी विभाग में 5 वर्षीय 10 सेमेस्टर इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री BTech, MTech पाठ्यक्रम में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आप BTech वगैरह, MTech वगैरह ये भी कर सकते हो, और बाकी जितने कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो कि इस नोटिस में आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। उसी के बाद में चलते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेट है वो 12 तारीख आपकी लास्ट डेट रखी गई है। इसी के बाद में यहाँ पर देख सकते हो अवेलेबिलिटी फॉर फॉर्म एडिट विंडो, यानी कि 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप जो फॉर्म में करेक्शन है वो करवा सकते हो। यानी कि अगर आप गलती से फॉर्म में अपना नेम एक तरीके से मिस कर देते हो, यानी कि दूसरा नेम डाल देते हो, या कोई भी एक तरीके से वर्ड है वो एक तरीके से मिस हो जाता है, वो यहाँ पर सही कर सकते हो। DOB आपकी गलत हो जाती है वो सही कर सकते हो। उसी के बाद में 13 से 14 तारीख तक आपकी एडिट विंडो ओपन रहेगी। उसके बाद में जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी 18 जून को जारी होने वाली है, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हो 18 जून को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन हो जाएगा फिल फॉर्म, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने से पहले यहाँ पर आप फॉर्म भरने से पहले कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से आप पढ़ सकते हो। यानी कि आप फोटो का साइज देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपना पासपोर्ट आकार का फोटो, ठीक है, JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। फोटो का आकार आपका 350 KB का होना चाहिए, और उसी के बाद में हस्ताक्षर की जो स्कैन की गई कॉपी का आकार है वो आपका 450 तक का आपका होना चाहिए, यानी कि इससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको अपना नेम डालना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर है, जेंडर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर DOB डालनी है। एज एज ओन यहाँ पर जो आपकी डेट हो रही है, यानी कि एक जैसे कि देख भी सकते हो आप स्क्रीन पर, 1 अगस्त तक जो आपकी डेट हो रही है वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है। मोबाइल नंबर आपको डालना है, साथ में ईमेल आईडी आपको डालनी है, गार्जियंस मोबाइल नंबर डालने है, ईमेल आईडी आपकी डालनी है, मतलब कि आपके जो माता पिता की ईमेल आईडी है वो डालनी है, आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, एनुअल इनकम है वो आपकी कितनी है वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है। उसी के बाद में रिलीजन कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, लोकेलिटी, ठीक है, बोनाफाइड सिटीजन ऑफ राजस्थान, ये आपको यस कर देना है, ठीक है।
इसके बाद में वेटेज ऑफ कैटेगरी, ये ध्यान रखना इसमें कि अगर आपको आपके पास में एनसीसी एनएसएस या स्काउट का एक तरीके से सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसी के बाद में अगर आपका ऊपर का एड्रेस है वो आपका सेम है, मतलब कि परमानेंट एड्रेस है जहां पर भी आप रहते हो, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, पिन कोड है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर यस कर देना है। यानी कि आपका अगर आपका एक तरीके से परमानेंट एड्रेस है वो आपका सेम एड्रेस है, अगर मतलब कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो आपको यस कर देना है। अगर अलग है यानी कि मतलब कि आपका जहां पर जन्म स्थान आपका अलग हो और आप रहते हो कहीं और हो तो आपको यहाँ पर वो डिटेल भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर दोनों का सेम है तो यस पर क्लिक कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10th आपको बताना है कि अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है, आरबीएसई बोर्ड से किया है वो बता देना है। रोल नंबर यहाँ पर आपको अपने डाल देने हैं, ईयर डाल देना है, मार्किंग टाइप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपको डाल देना है। जैसे अगर आप 12th में आपके 10th की बात करें, 600 में से आपके ओपेंड कितने नंबर आए हैं, परसेंटेज कितनी बनी है। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल सकते हो, ठीक है। सीजीपीए एक तरीके से ग्रेड पॉइंट होता है। उसके बाद में 12th आप किस बोर्ड से किया है, स्ट्रीम कौन सी थी, बायोलॉजी थी, मैथमेटिक्स थी, कॉमर्स, वो एक तरीके से कॉमर्स थी, या आपके पास में एग्रीकल्चर थी। रोल नंबर डाल देना है, ईयर पासिंग ईयर डाल देना है, मार्किंग टाइप डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में ओपेंड मार्क्स है, टोटल मार्क्स है वो डाल देना है। उसके बाद में जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर बता देना है। बात करते हैं नेक्स्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप अपना खुद का, अगर आप जैसे 12th अभी पास किए हो तो आपको, मुझे पता है कि आप में से लगभग 70-80% स्टूडेंट्स का खुद का अकाउंट नहीं होगा, तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज कर सकते हो। अपनी मम्मी का, अगर आपकी मम्मी का अकाउंट है तो वो यूज कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपके पापा का है तो वो यूज कर सकते हो। अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, बैंक नेम डाल देना है, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड ये आपको डाल देना है। ये सब कुछ डिटेल भरने के बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर और भी जो डिटेल्स है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद मतलब डिटेल्स आपको डालने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद में आपकी फोटो, ठीक है, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर। इसी के साथ में काफी छात्रों का कंफ्यूजन रहता है इसमें, जब आप प्रोग्राम एंड अपलोड्स में जाओगे तो यहाँ पर ओनली आपका फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड करवाया जाएगा, जो कि इंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि 350 तो आपका यानी जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। साथ में आप मतलब कि अगर आपको एक तरीके से रिसाइज भी करना है तो आप किसी भी लैपटॉप से भरते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डायरेक्ट भरते हो तो आप फोटो रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर एक वेबसाइट आती है फोटो रिसाइज के नेम से, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे इस वेबसाइट पर आपको जाना है, यहाँ से आप अपनी जो फोटो है उसको रिसाइज कर सकते हो। जैसे आपको फोटो एक तरीके से इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपका रिसाइज हो जाएगा, ये ध्यान रखना सभी छात्र अगर खुद से बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे सब कुछ आप यहाँ पर कर लेते हो, करने के बाद में आपको नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ से आपको बैक आ जाना है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर जैसे मैंने बताया था आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको लास्ट में जब फॉर्म आपका फिल हो जाएगा उसके बाद में अपलोड पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपको एक तरीके से आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड का मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का मिलेगा, नेट बैंकिंग का मिलेगा, उसी के साथ में यूपीआई का मिलेगा। तो पेमेंट करने के बाद में जो एक तरीके से आपकी हार्ड कॉपी है उसकी 2-3 फोटो कॉपी आप अपने पास में रख लेना, वो आपको चाहिए होगी। जब किसी भी प्रकार से अगर आपका पेमेंट होल्ड हो जाता है 24 आवर तक आपको उसका वेट करना है। अगर वेट करने के बाद में भी अगर कुछ भी शो नहीं होता है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, आप मुझसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। उसी के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप पेमेंट वगैरह डिटेल करने के बाद में आपको सब कुछ फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट में क्लियर करने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पेमेंट चेक कर पाओगे, उसके बाद में फॉर्म का रीप्रिंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 18 तारीख को जारी होगी, तब तक आप सभी छात्रों को पेशेंस रखना है। फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने पास में रख लेनी है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो हार्ड कॉपी आपकी चाहिए होगी और आपको फॉर्म भर के एक तरीके से रख लेना है। फॉर्म
देखो रिस्क मत लेना, अगर फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी नजदीकी मित्र से भरवा सकते हो, बाकी आप खुद से भरना चाहते हो तो आप लैपटॉप यूज कर सकते हो, फोन से चाहो तो फोन से भी भर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।